हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं कि किसको कितना रिजर्वेशन मिलने वाला है और कितना मिलेगा। तो दोस्तों, रिजर्वेशन के हिसाब से देखा जाए किसको कितना मिलेगा, तो दोस्तों ये आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट की। इसमें उस बताया गया है कि किस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन है। एससी का 21%, एसटी का 2%, अदर बैकवर्ड यानी ओबीसी का 27% और जो जनरल है उसका 50%। अब 2000 सीटों को इनमें डिवाइड कर लीजिए इनके परसेंटेज के हिसाब से। अब जिसकी जितनी सीटें, अगर मान लीजिए जनरल की सीटें 1000 हैं, 2000 टोटल सीटों में 50% रिजर्वेशन लगा दिया जाता है, तो 1000 सीटें जनरल की हो गई। अब 1000 जनरल की सीटों में गर्ल्स की सीटें जैसे हैं वो 20%, यानी कि वो गर्ल्स जो हैं उस 20% में फाइट करेंगी 1000 सीटों में, यानी 1000 सीटों में 200 सीटें गर्ल्स की हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये है रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल होता है, जैसे गर्ल्स का हो या डीएफएफ यानी डिफेंस फ्रीडम फाइटर वाले हों, या सर्विसमैन हों, फिजिकली चैलेंजेड हों, या स्पोर्ट पर्सन हों, ये सारे रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल बेस पे होते हैं। हॉरिजॉन्टल बेस का मतलब कैटेगरी के अंदर कैटेगरी बनाई जाती है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ सा रिजर्वेशन दिया है कि किस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन है। तो दोस्तों, अगर कोई सवाल या संशय रह जाए तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का सही से जवाब आप तक पहुंचाने की। तो दोस्तों, जो जिन्होंने कमेंट किया था 33% गर्ल्स का रिजर्वेशन होता है क्या, तो 33% नहीं, 20% रिजर्वेशन मिलेगा गर्ल्स को, वो भी उनकी अपनी कैटेगरी में। तो ओवरऑल 20% ना निकालें, अपनी अपनी कैटेगरी में निकालें किसको कितने रिजर्वेशन मिलेगा, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग रिजर्वेशन के बारे में समझ गए होंगे। अगर आप लोग नहीं समझे या आपको कोई संशय या डाउट है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो रिजर्वेशन के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर रिजर्वेशन या पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें, उसमें आप देख सकते हैं कि किस में कितना रिजर्वेशन है, कितना कैसे कैलकुलेशन होगा, उसमें सारी डिटेल दी है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। अब ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट करें, अगर कोई जानकारी आप छूट गई हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताएं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई हर जानकारी पहुँचती है सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।